जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों, यूपी पुलिस की भर्ती तो आ चुकी है और आपके जो आवेदन है वो 27 तारीख से ऑनलाइन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आवेदन करने के लिए। मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप आवेदन करने जाएं तो आपका आवेदन नहीं हो और आप अगर बनवाने लगें तो समय ओवर हो जाए, तो आपका जो आवेदन का समय है वो भी ओवर हो जाएगा, तो आप इससे वंचित रह जाओगे। तो उससे पहले जान लो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों जान लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बात कर लेते हैं, महिला पुरुष दोनों की बात करते हैं इसमें। तो जो उनके लिए है जो EWS का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपना जाति प्रमाण पत्र लगा दें, ठीक है दोस्तों, वो अपना सिर्फ जाति प्रमाण पत्र लगा लें, बाकी और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मूल निवास है तो अपने पास रख लें, जरूरत पड़े तो लगा देना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अभ्यर्थी EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए EWS प्रमाण पत्र बनवाना होगा, अगर नहीं तो आप बनवा लें अपना, और आपके लिए मूल निवास भी आपको लगाना होगा और साथ ही आपका आय प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा जाएगा। तो आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें, आय प्रमाण पत्र और आपका EWS का प्रमाण पत्र और मूल निवास का प्रमाण पत्र, ये आप तीनों बनवा लें अपना। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप अपना बनवा लें, ठीक है दोस्तों। और जो जो भी कागज हैं ये सब आपको पता ही है, लोकवाणी केंद्र से बनते हैं, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों OBC वर्ग, जो OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए बात करते हैं। उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास होना चाहिए, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। तो आपके जाति प्रमाण पत्र से ही पता लगेगा आप किस जाति में आते हो और उसी जाति के हिसाब से आपको आरक्षण इसमें मिलेगा। और मूल निवास से ये होगा कि आप अगर यूपी के निवासी हो तो आपको इस जो आरक्षण का वो लाभ मिलेगा। अगर आप यूपी से बाहर के हैं, यूपी से बाहर वाले अगर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं यूपी पुलिस के लिए, जो यूपी से बाहर के राज्य हैं वहाँ के लोग, अगर वहाँ के अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं तो उनके लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही उनका सिलेक्शन होगा अगर वो इस पेपर को पास कर देते हैं। तो उनके लिए उनके बारे में बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं। तो जो OBC वर्ग के उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही जो आपका सभी के लिए आपको पता ही है कि हाई स्कूल सॉरी 12th पास इसमें चाहिए, तो आपको हाई स्कूल 12th की मार्कशीट और साथ ही आपके लिए आधार कार्ड पैन कार्ड ये सभी जो हैं आपके पास पहले से ही हैं, तो वो भी आपके लगने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपका SC कैटेगरी के लिए, जो SC कैटेगरी है SC और ST दोनों की बात कर लेते हैं। SC ST कैटेगरी वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उनका, तभी उनके लिए लाभ मिलने वाला है। तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों महिलाओं के लिए, जो सभी वर्ग की महिला हैं, वो OBC SC जनरल किसी वर्ग की महिला हैं, अगर उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो वो किस तरफ से बनाएं, पिता की तरफ से बनवाएं या शादी हो गई है तो पति की तरफ से बनवाएं, तो उनके लिए बता दें, आप ध्यान से सुन लो कि आपको सिर्फ अपने पिता की तरफ से ही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र सभी महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए है, तो वो अपने पिता की तरफ से ही अपने कागज बनवाएं। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनके लिए है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र तो चाहेगा ही और मूल निवास भी उनका लगने वाला है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए DFF का प्रमाण पत्र है जो जिला अधिकारी द्वारा बनेगा उनका। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना DFF का प्रमाण पत्र बनवा लें, जो उनके जिला अधिकारी के द्वारा ये बनाया जाएगा। और सभी जो प्रमाण पत्र हैं DFF का, इन सभी का हम प्रारूप वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, आप वहाँ से प्रारूप देखने के बाद इसे बनवा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या चाहिएगा, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, मूल निवास चाहिएगा, साथ ही यूनिट यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, एक उनका यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है वो बनेगा, उसका भी प्रारूप वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। और वो जो बनेगा या तो सक्षम सैन्य अधिकारी हों,
सक्षम सैन्य अधिकारी के द्वारा या यूनिट प्रभारी जो होते हैं, यूनिट के प्रभारी, उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र इनका बनेगा। अब बात कर लेते हैं होमगार्ड के लिए। जो होमगार्ड हैं, होमगार्ड अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या चाहिएगा, तो उनके लिए मूल निवास तो चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र भी उनका चाहिएगा, साथ ही उनके लिए अगर उन्होंने 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक अगर सेवा दी है तो उनके लिए एक प्रमाण पत्र बनेगा। उस वो जो प्रमाण पत्र है वो उनके जिला कमांडेंट होमगार्ड जो होते हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। ये इन्होंने 3 साल से अधिक सेवा की है, 3 साल से कम सेवा है तो इसमें नहीं है, अगर 3 साल है और 3 साल से ऊपर है तो आपका इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सभी जो प्रारूप हम वीडियो क्लास में दिखा देंगे आपको, वहां से देख के आप अपने प्रमाण पत्र बनवा लेना। और साथ ही बात करते हैं आप दोस्तों, जो आपको अलग से लाभ मिलने वाला है, आपको जो प्रेफरेंस है वो लाभ जो मिलेगा वो अलग से किन किन चीज़ों पर लाभ मिलने वाला है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्स है आपका DOEACC और एक है NITIL। तो इन दोनों में अगर आपने ओ स्तर का प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है तो आपको इस भर्ती में लाभ मिलेगा। NCC का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें भर्ती में लाभ मिलने वाला है। हो सकता है आपको इसमें आपके एग्ज़ाम के बाद आपको इसमें कुछ नंबर की बढ़ोतरी कर दी जाए तो इस प्रकार से इसमें आपको लाभ मिलेगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरा है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष सेवा की हो। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की है तो आपको इसमें लाभ मिलने वाला है, आप उसका भी अपना सेवा प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हैं तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पूरी जो प्रक्रिया है वो कागज़, अगर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे हो चुके हैं तो आगे क्या है। दोस्तों पहले चला था कि OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन होगा, लेकिन अब ऑनलाइन OTR का सिस्टम नहीं होकर के ये DigiLocker है एक, इसमें लागू किया है। तो DigiLocker का क्या काम है, DigiLocker पर आपको अपनी ID बनानी है, पासवर्ड बनाना है, उसके बाद जो DigiLocker है इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, तो वहाँ से आप इन्हें स्कैन करने के बाद अपलोड करा दें और उसी के द्वारा आपका जो आवेदन है वो, जो आप आवेदन करोगे तो वो भी इस पे अपलोड हो जाएगा, तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स DigiLocker में पहुँच जाएंगे। और जो दोस्तों DigiLocker है एक इस पर, ये DigiLocker कुछ तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं ही पहले से, जैसे कि आप अगर अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का आप अपना रोल नंबर अगर डालोगे तो वो खुद ही प्रमाण पत्र निकाल देगा। तो इस प्रकार से ये एक स्कैनर टाइप का है, तो आप इसमें जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको आप अपलोड कर दें और आपका जो आप फॉर्म आवेदन होगा वो भी इसी के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ हो जाएंगे दोस्तों। और बाद में आपको जो करना है, आपको अपना सुंदर सी फ़ोटो खिंचानी है, साफ सी, जिसका बैकग्राउंड एकदम वाइट हो या फिर हल्का कलर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रे कलर का हो चल जाएगा। और साफ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए, किसी प्रकार का मकला, टोपा या चश्मा नहीं होने चाहिए। और जो फोटो आपकी जो फ़ोटो होगी वो कम से कम सीने के यहाँ से इतना दिखना, जो आपको अक्सर अपलोड करते हैं और आपके अक्सर इसमें अपलोड हो जाएंगे। होने के बाद आपका जो आवेदन है वो पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा और आप तैयारी करें, अगर आप यू पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आप अच्छी तैयारी करें, या तो जान लगा दें पूरी तरह से, दिन रात मेहनत करें, एक कमरे में बंद हो जाएं, रात दिन पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो इसमें समय बहुत कम है, आपको अच्छी तैयारी करनी होगी, बाहर की चीज़ों से दूर रहना होगा, इधर उधर जाने से बंद करना होगा आपको, और आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है प्रारूप नंबर 1 जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना है उसका प्रारूप दिया है। तो ये है प्रारूप नंबर 1 और ये आपका जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों यह है प्रारूप नंबर 2, इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जो बनवाना उसका ये प्रारूप है। इस प्रकार के प्रारूप से आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। और दोस्तों प्रारूप नंबर 3 यह है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए प्रमाण पत्र, उनके लिए
ये प्रारूप है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी है उनका ये प्रारूप है, उनको इस प्रकार से प्रमाण पत्र बनाना है। दोस्तों यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी एवं स्वयं घोषणा पत्र यानी कि जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो प्रारूप है ये प्रारूप है उनके लिए, उनको इस प्रकार का अपना जो EWS का प्रमाण पत्र है इस प्रकार का प्रारूप से बनवाना है। दोस्तों प्रारूप नंबर 4 दोस्तों, ये प्रारूप दोस्तों इसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका ये प्रारूप है, उनको इस प्रकार से अपना प्रारूप के द्वारा अपना प्रमाण पत्र बनवाना है। दोस्तों ये प्रमाण पत्र दोस्तों होमगार्डों के लिए है, उन्हें इस प्रकार का प्रारूप से अपना 3 साल की सेवा का जो प्रमाण पत्र है इस प्रकार से बनवाना है। तो ये तो थे दोस्तों प्रारूप जो आपको अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रारूप दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप जान ही गए होंगे आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो है जो आपके लिए लाभदायक होगी आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।